हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू सीए फाउंडेशन क्लासेस। आई एम अग्रिका। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इस वक्त फुल ऑन प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने 8 दिसंबर वाले एग्जाम के लिए, मैं उनको कुछ ऐसी 4 से 5 ट्राइड एंड टेस्टेड बिहेवियर टेक्निक्स, कुछ हैबिट्स बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसे पैटर्न्स बताना चाहती हूँ जो कि उनको करने चाहिए और जो चीजें उनको नहीं करनी चाहिए। इससे आपके कम से कम 10 से 20% आपको बूस्ट मिलेगा आपकी प्रिपरेशन में, आपके कॉन्फिडेंस में, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। द नंबर वन थिंग इज यू नीड टू कॉन्कर योर मॉर्निंग, गाइज। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूंगी, बिल्कुल सच है। अगर आप एक अर्ली राइजर हो, देखो कुछ बच्चे होते हैं जो 5 बजे से लेकर के 8 या फिर 9 बजे तक के टाइम को 100% कॉन्कर करने की कोशिश करते हैं। रॉबिन शर्मा ने भी अपनी 5 AM क्लब बुक में ये बोला था कि अगर हम जो है अपने दिन का पहला घंटा, द फर्स्ट आवर ऑफ द डे पे कमांड हासिल कर लेते हैं, तो हम रेस्ट ऑफ द डे के लिए काफी मोटिवेटेड रहते हैं। और उसका ऑपोजिट होता है अगर हम उस एक घंटे में इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर किसी अपने फैमिली मेंबर से बातें करना, या फिर आराम आराम से ब्रश करना, आराम से अपनी सुबह की दिनचर्या करना, ब्रेकफास्ट करना करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेटेड फील करते हैं, राइट? तो द नंबर वन बिहेवियर यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट यू नीड टू कॉन्कर योर मॉर्निंग। सुबह का वक्त, आप 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 7, 8, डिपेंडिंग अपॉन आपने रात में कितनी लेट तक पढ़ाई की है। मैं तो हमेशा कहूंगी कि भाई अर्ली उठो, अगर आप उठ सकते हो तो वेक अप इन द मॉर्निंग। वाई? बिकॉज द डिस्ट्रैक्शंस आर लीस्ट इन द मॉर्निंग, राइट? तो अगर आप 5 o'clock पे उठते हो, 5 AM या 6 AM पे उठते हो, तो आप एक चंक निकालो। उस चंक में आपको डिसाइड करना है कौन सा काम है जिसको सबसे ज्यादा आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। एक बार आप इसको ट्राई करोगे ना दोस्तों, तो आपकी जिंदगी बदलेगी। आपके अंदर एक अलग सा एक जील रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। वर्सेस अगर आप सुबह उठ करके 1-2 घंटे अगर इंस्टाग्राम में आराम से बातें करते करते वो 2 घंटे वेस्ट कर दोगे ना, इट इज अ डिजास्ट्रस थिंग, राइट? तो नंबर वन थिंग वॉज यू नीड टू कॉन्कर योर मॉर्निंग। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाएगा, राइट? और ये डेफिनेटली आपके एग्जाम के एंड तक आपको बहुत काम आने वाला है। नंबर टू, गाइज, आई हैव रिटन इट। तो नंबर टू इज कीप अ चेक ऑन टाइम। यहां पर 2 बातें आती हैं। सी, आपको क्या करना है, यू नीड टू कीप अ चेक ऑन योर टाइम। इस वक्त गाइज टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। मार्क्स, टाइम राइट नाउ इज इक्विवेलेंट टू मार्क्स। आपको एंटैंगल्ड नहीं रह जाना, समझना, आपको एंटैंगल्ड नहीं रह जाना कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई टॉपिक उठाया, आपने RTP उठाया, या फिर आपने कुछ भी पढ़ने को उठाया और आपको वक्त का ध्यान नहीं है और वक्त जाता जा रहा है, आप उसमें लगे पड़े हो। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, राइट? या फिर थोड़ा सा बोरिंग हो गया। सो यू हैव टू कीप अ चेक ऑन योर टाइम, या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि वी नीड टू मेक अ टाइम बाउंड स्केड्यूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे RTP करना है, मैंने RTP को अगले वॉच को देखते हुए 1 घंटे का टाइम दिया, राइट? ये वॉच को देखने वाला जो प्रैक्टिस है ना, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में भी आपको काम आएगी जब आप फटाफट से अपने आंसर्स लिख रहे होगे, राइट? तो द सेकंड थिंग इज कीप अ चेक ऑन टाइम, डोंट कीप लूजिंग योर प्रेशियस टाइम राइट नाउ। व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली योर टाइम राइट नाउ इज इक्विवेलेंट टू मार्क्स। मेक अ स्केड्यूल, मेक अ टाइम बाउंड स्केड्यूल। मैंने ये हर बार हर बच्चे को बताया है कि आपको अगले 10 दिन का स्केड्यूल बनाने की ऐसी जरूरत नहीं है कि 7 से, ऐसे हम करते हैं ना हमेशा, 7 से 8 हम ये करेंगे, फिर इसके बाद ये करेंगे। नहीं, अपने नेक्स्ट 2 आवर्स का स्केड्यूल बना लो। कीप अ चेक ऑन टाइम, राइट? डोंट कीप लूजिंग टाइम। नाउ थर्ड वन इज इन योर फेवर, गाइज, प्लीज टेक ब्रेक्स। गाइज, होता क्या है, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि इस वक्त क्या होता है ना, हमारी प्रोडक्टिविटी एकदम पीक पे होती है, हम हार्ड एफर्ट्स कर रहे होते हैं, जम के मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमने इस वक्त अपने हेल्थ का ध्यान नहीं दिया, अपनी मेंटल, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं दिया, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इलनेस के फॉर्म में, वीक हेल्थ के फॉर्म में, हमारे एग्जाम ड्यूरेशन में आ सकता है, एग्जाम के डेज में आ सकता है। तो क्या करना है, टेक ब्रेक्स। और कहीं ना कहीं एक ये जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी है कि अगर हम ब्रेक लेते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा बूस्टेड अप हो जाते हैं, वर्सेस अगर हम एक स्ट्रेच में कोई मेहनत करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो सॉइल को रिप्लेनिश होने के लिए एक बार क्रॉप सीजन के बाद कुछ वक्त के लिए सॉइल को छोड़ देते हैं, जिससे कि वो बंजर सॉइल जो है वापस से रिप्लेनिश हो जाए। तो सेम थिंग अप्लाइज टू आर माइंड, छोटे छोटे ब्रेक्स लो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्लॉट 3 घंटे का, 2 घंटे का पढ़ लिया, या फिर 1 घंटे का। मैं तो ऐसे करती थी, मैं 1 घंटे का पढ़ती थी, मैं 10 मिनट्स का ब्रेक लेती थी। उन 10 मिनट्स में मैम क्या करना चाहिए, उस 10 मिनट में पानी पियो, उस 10 मिनट में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, राइट? जिम शिम जाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से गाइज हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और एक एनर्जी अलग सी मिलती है, खासकर अगर आप दोपहर में इस चीज को कर लो। और कोशिश करना दोपहर में हैवी मील मत लेना और जंक फूड तो बिल्कुल ही मत लेना। आई नो इट इज लिटिल, मतलब मेरे जैसे इंसान के लिए जो कि बहुत ज्यादा फूडी है, इसके लिए जंक फूड ना खाना थोड़ा सा टॉर्चर हो सकता है, बट हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? तो हैवी मील जो है दोपहर में मत लेना, राइट? नाउ द फोर्थ इज माई फेवरेट, विच इज रिविजन रीइन्फोर्समेंट। गाइज, पता है होता क्या है,
हम इंसान जो होते हैं ना, जो हमारे पास होता है वो हमें कभी भी अच्छा नहीं लगता। हम हमेशा आगे के बारे में सोचते रहते हैं, यार ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, इसको भी पढ़ लूँ, उसको भी पढ़ लूँ, लेकिन अब वो वक्त नहीं बचा हुआ है। तो जो फोर और फिफ्थ पॉइंट है ना, वो रिलेटेबल है। देखो, इस वक्त जो है रिविजन रीइन्फोर्समेंट करते रहो। मैं हमेशा से रिविजन की फैन रही हूँ और आप लोगों को भी यही कहना चाहती हूँ कि हमारे पास अक्सर हमने 40-50-60% जितनी भी पढ़ाई कर ली है हम उसको छोड़ देते हैं। हमें उसका साथ नहीं छोड़ना है। यू नीड टू रिव्यू, कीप रिव्यूइंग योर समरीज, राइट? क्योंकि जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, अगर आपने उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखा तो फिर आप कहीं के नहीं रह जाओगे। एंड नंबर फिफ्थ इज, विच इज रिलेटेबल थिंग, इज दैट मैम शुड आई पिक अप समथिंग न्यू राइट नाउ, शुड आई पिक अप अ न्यू थिंग विच आई हैव नॉट स्टडीड सो फार इन व्हाटएवर मंथ्स, शुड आई पिक दैट अप राइट नाउ? सो द आंसर इज अ स्ट्रेट नो, यू शुड नॉट पिक अप न्यू थिंग्स, न्यू कॉन्टेंट राइट नाउ। आपको थोड़ा सा ब्लंट लग सकता है, बट प्लीज अंडरस्टैंड, कोई नई चीज तभी पिकअप करनी है बच्चों, कोई नई चीज तभी पिकअप करनी है जब आपको उसको टाइम टू मार्क्स एनालिसिस कर लो, टाइम टू मार्क्स रेशियो निकालो। अगर कोई चीज ऐसी है जिसको हम कम वक्त देंगे, हर दिन में कम वक्त देंगे, लेकिन हमें श्योर शॉट है कि हम उसको आराम से कर ले जाएंगे, जो सेकेंड पॉइंट था टाइम, उसका वॉच के अंदर कर पाएंगे, और थर्ड थिंग इज कि वो हमको अच्छे मार्क्स देगा, श्योर शॉट है कि अच्छे मार्क्स देगा, ये इंस्टीट्यूट का पास्ट पैटर्न बता रहा है, हम तभी उसको करेंगे, राइट? सो फोर्थ वॉज गाइज रिविजन रीइन्फोर्समेंट। आपको जो है अपनी अभी तक की पढ़ी हुई चीजों की जो समरीज बनी हुई है उसको अंडर कंट्रोल रखना है। गाइज प्लीज अंडरस्टैंड, ये बातें मैं हवा में नहीं कर रही हूँ, ये सच में बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातें जो है एक बड़ा इंपैक्ट लेकर के आती है, राइट? तो और कोई भी ट्रबल हो तो मुझे आप लोग जो है जो फुल ऑन प्रिपरेशन कर रहे हो, आई एम रियली होपफुल कि आप जो है आपकी मेहनत जो है रंग लाए, और जो भी दिक्कत हो मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कॉमेंट सेक्शन में बताओ। वी विल कम अप विद न्यू सम अदर थिंग्स, सम अदर मोटिवेटिंग थिंग्स इन द नेक्स्ट सेशन। और हाँ, शुड आई पिक अप द न्यू टॉपिक, आई एम होपफुल कि आपको ये बात समझ में आ गई कि कैसे कोई भी नए टॉपिक जो आज तक नहीं पढ़ा है उसका चयन, उसका चॉइस कैसे करना है। वेन आपको पता है कि ये ज्यादा वक्त नहीं लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा पूरा दिन ले जाए, टाइम बाउंड होना चाहिए ये चीज। और दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि ये श्योर शॉट है, आता ही है, दैट इज द वे ऑफ डूइंग स्मार्ट स्टडी, राइट? दिस डेज लेफ्ट आर टू डू सिलेक्टिव स्मार्ट स्टडीज, राइट? थैंक यू सो मच गाइज, होपफुली आपको मेरी ये छोटी छोटी बातें जो है इम्पैक्ट देती हैं, इम्पैक्ट करती हैं आपके लाइफ में, और आप लोग पास हो, अच्छे मार्क्स से पास हो, दैट्स वॉट आई रियली विश फॉर। एंड स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, शेयर इट विद योर लव्ड वंस, थैंक यू सो मच गाइज, बाय।